भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर लगाम कसते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत आरोपियों से लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए की चरस जब्त की गई है, जो मध्य प्रदेश में अब तक जब्त मादक पदार्थों का सबसे बड़ा जखीरा कहा जा सकता है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तस्करी कर रहे दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे 36.18 किलोग्राम चरस जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह चरस नेपाल से लाई गई थी और दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के कुछ और लोग भी सक्रिय हैं, जो जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसके पहले भी क्राइम ब्रांच ने भोपाल ने 7.60 करोड़ की कीमत की कुल 23 किलो चरस पकड़ी थी। जो भी सूचनाएं हैं ड्रग्स से संबंधित, उस पर जानकारियां आए और उस पर कार्रवाई हो। पिछले दिनों चुनाव के समय पिछले साल लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न मादक पदार्थों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की थी। उसी कड़ी में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ जानकारियां मिली थी और उन जानकारियों को पुलिस ने लगातार उस पर काम किया। क्राइम ब्रांच ने DCP क्राइम के साथ साथ उनके नेतृत्व में लगातार उन सूचनाओं को विकसित किया और उसमें एक बड़ी सफलता मिली। जब कल लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए के इस तरह के बहुत बड़े खेप को, एक ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 36 किलोग्राम से ज़्यादा चरस पकड़ी गई और उसमें साथ ही साथ इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया है, जिसमें इसके नेपाल के रास्ते आने की कुछ जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे लिंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन सी कड़ियाँ हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे दुष्चक्र से जुड़े हुए हैं। इसमें दो आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके पास से पूरी खेप पकड़ी गई है। साथ ही साथ इनके इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से कुछ मिलने की और उनसे इस तरह के आपराधिक साठगांठ की इसमें सूचना प्रथम दृष्टि आई है, जिनके लोगों को पुलिस अभी सत्यापित कर रही है कि उनमें कौन से लोग हैं, जिनकी पहचान करके उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी टीम को, जिसमें DCP क्राइम और एडिशनल DCP क्राइम और पूरी टीम है, उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, खासतौर पर इस बड़ी सफलता के लिए। और ख़ासतौर पर पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी ड्रग्स के खिलाफ में, एक बड़ी मुहिम चल रही थी, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी आपदा की तरह है जो कि पूरे युवा वर्ग को पूरी तरीके से तोड़ देता है और कमज़ोर करता है, तो इसको लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है और उस कड़ी में यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी